नमस्कार, मी जगदीश पटेल, चेयरमैन अंध हितकारी संघ महाराष्ट्र, और ये सुशीला पटेल, सेक्रेटरी अंध हितकारी संघ महाराष्ट्र। ये सुदासों का सेवा मंदिर है। ये मंदिर आखिरी 43 सालों से उल्लासनगर की पावन भूमि में कार्य करता आया हुआ है। हम सुदासों के साथ साथ अपंग, विधवा, कुष्ठ रोगी और ज़रूरतमंद लोगों की हम मदद करते हैं, और ख़ास करके जो गरीब विद्यार्थी है उनकी मदद करते हैं। हमारी संस्था मेडिकल क्षेत्र, एजुकेशन, राशन और उनकी जो मूलभूत जरूरियात है उसके लिए हम लोग मदद करते हैं। एजुकेशन में बच्चे लोग को हम लोग स्कूल का पूरा सामान, दफ्तर, ड्रेस और स्कूल फीस पूरा भर के देते हैं। मेडिकल का कैंप का आयोजन हर महीना होता है, उनको दवाई लेके देते हैं। बाकी उनमें उनके घर में लगने वाली चीज़ें जैसे कि प्रेशर कुकर है, चटाई है, चादर है, शतरंजी है, उनको गाउन है, टी शर्ट है, पैंट है, ऐसी चीज़ों, चप्पल है, ऐसे चीज़ों का वितरण हम लोग करते रहते हैं। हमारे यहाँ कोई भी जात की फीस ली जाती नहीं है। मेंबरशिप के नाम पे हम उनको लूटते नहीं है। उनको जो भी चीज़ है वो इधर से फ्री में मिलती है, और ख़ास करके चलने का लकड़ी और चप्पल हम डेली के लिए, कभी भी वो जूना लेके आवे और नया लेके जाते हैं। गए लॉकडाउन में हमने 1100 परिवारों को संभाला है, और अभी भी जो ये वायरस का डर है उसकी वजह से सुदासों का ट्रेन में और अन्य धार्मिक स्थलों पे जो धंधा करना बंद कर दिया है, तो अभी उनको बहुत तकलीफ़ में है। उनका सब घर भाड़े से है, तो हमने, हमारे से हो सकता है उतना हम लोग अभी कर रहे हैं, और अभी रोज़ उनके लिए यहाँ भंडारे का आयोजन करते हैं, और उनको जो जरूरी चीज़ें है वो हम मदद करते हैं। उल्लासनगरवासी और जो ये चैनल जो वीवो है उनको मेरा निवेदन है कि हमारा ये सेंटर उल्लासनगर 4 नंबर वाटर सप्लाई पे है, यहाँ आवे। यहाँ रोज़ सुदासों का मेला लगता है, उनको जो लगे वो, उनको जैसी अंतरात्मा उनको बोले, प्रभु उनको ताकत देवे, ऐसी मदद हमारे सुदासों को करे, हमारे संस्था को करे, और उनका जीना सरल करे, उनको अपने परिवार के समान समझे, तो भगवान आपको तरक्की देगा। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।